हेलो दोस्तों, ये वन प्लस का फ़ोन है। इसमें जो है डिस्प्ले जो है गिरने के कारण ख़राब हो गया है, तो चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये कैसे ओपन होता है, क्योंकि ये ग्लास जो है वो डैमेज होने का भी थोड़ा डर रहता है, और ये ग्लास जो है और ग्लास फाइबर मिक्स है इसमें, तो ये ज़्यादा पूरी तरीके से ग्लास नहीं है, फाइबर ही है। तो इसको सबसे पहले आपको हीट कर लेना है, और फिर आप टेम्पर्ड के जो गार्ड होता है उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। आपके पास ओपनर है तो उससे भी इजी तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले ही मैंने हीट लगा दिया है। अगर ये फ़ोन पहले भी खुल चुका है तो आप नहीं भी हीट लगाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा। अगर इसमें फेविकॉल अगर ज़्यादा लगा हुआ है तो आप हल्का हीट लगा दें तो सही रहेगा, फिर आसान तरीके से खुल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का डैमेज वगैरह नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल जो है इसमें पहली बार खुल रहा है, तो इसमें मैंने हीट लगा दिया है, और आराम आराम से मैं इसे ओपनर से जो है ये हम गार्ड से ही यूज करते हैं, गार्ड से ही आराम से खुल जाता है। या पहली बार अगर आपका नहीं ओपन हो रहा है तो आप ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं, जिस ब्लेड में आप तेज़ धार ना हो उस ब्लेड का यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये कितने आसान तरीके से ओपन हो चुका है। तो ये देख सकते हैं, ये ग्लास आपको लग रहा होगा लेकिन ये ग्लास नहीं है, ग्लास जैसा लग रहा है लेकिन ये फाइबर का है, ग्लास नहीं है ये, और बिल्कुल इसमें ग्लास जैसा चमक है, देख सकते हैं। तो क्वालिटी है इसमें, वन प्लस का फ़ोन है तो क्वालिटी तो होगा ही, इसमें काफ़ी क्वालिटी है, देख सकते हैं बिल्कुल चमक ग्लास वाला है लेकिन फ़ाइबर है ये। और ये देख सकते हैं अभी इसमें लेबल वगैरह हर जगह लगा हुआ है, फ़ोन पहली बार खुला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डिस्प्ले चेंज करने के लिए हमें बैटरी वगैरह रिमूव करना होगा और सारे पेज को ओपन करना होगा, उसके बाद ही हम इसमें बैटरी चेंज कर और डिस्प्ले चेंज कर पाएंगे। और डिस्प्ले चेंज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉपी डिस्प्ले चेंज करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है, टच लैग करता है या टच फास्ट चलता है, या डिस्प्ले का ब्राइटनेस कैसा होता है, डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम होता है या फ़ोन लैग करता है, ये सब प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए पहले पेज ओपन कर लेते हैं। इसमें काफ़ी पेच यूज हुआ है, देख सकते हैं आप, वन प्लस वालों ने इसमें काफ़ी पेच लगाए हुए हैं जिससे मजबूती बना रहता है। जैसे नॉर्मली अगर गिरता भी है फ़ोन तो फ़ोन के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, फ़ोन देख सकते हैं कितना बुरा तरीके से गिरा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, सिर्फ डिस्प्ले का लाइट वगैरह चला गया है। तो जैसे बाकी फ़ोनों में गिरने के बाद भी कुछ लाइट रहता है, ऐसा इसमें नहीं है, लाइट बिल्कुल चला गया है, तो इसलिए हम डिस्प्ले ही पहले डाल के देखेंगे। ये टूट भी चुका है,
लेकिन इसमें काफ़ी पेंच लगने से क्या होता है, तो फ़ोन नॉर्मली गिरता है, जैसे माइक स्पीकर वगैरह वगैरह में कैमरे बैटरी लूज कनेक्शन ऐसा नहीं होता है। तो पेंच डालने से ये फ़ायदा है, इसमें काफ़ी पेंच लगा हुआ है और जैक देख सकते हैं, इसके जैक में भी काफ़ी कर बनाया हुआ है। तो अभी हम नया डिस्प्ले मंगाए हुए हैं तो इससे चेक करेंगे, ये देख सकते हैं इसका नया डिस्प्ले है जो फर्स्ट कॉपी है। इससे हमें पता चलेगा कि जब हम से ये पता चलेगा कि इसका ब्राइटनेस जो है वो कैसा है, ब्राइटनेस कम है या ज़्यादा है, या टच जो वर्किंग है वो स्लो है या फास्ट काम कर रहा है, तो ये सब पता चलेगा। इससे क्या है कि जब आप कॉपी लगवाओगे तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले तो इसमें ओरिजिनल लगाता कॉपी लगेंगे तो फ़ोन का कंडीशन कैसा होगा, टच सही चलेगा या नहीं चलेगा, या डिस्प्ले का लाइट सही आएगा या नहीं आएगा, या कंट्रास्ट ख़राब हो जाएगा, तो बहुत सारे दिमाग में ऐसी बातें रहते हैं, तो यही चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा। तो चलिए देख सकते हैं, अभी कंट्रास्ट में तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पर जो एक प्लास्टिक लगी हुई है कलरफुल, उसके बाद भी काफ़ी वन प्लस का जो लोगो है वो साफ़ दिख रहा है, और एंड्रॉयड जो लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, और जबकि रंगीन पन्नी लगी हुई है इस पर, तो इसका मतलब इसका कंट्रास्ट जो है वो बिल्कुल ओके है, कंट्रास्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। जो ऐप वगैरह का कलर होगा या कोई भी लिखावट होगा फ़ोन के अंदर वो बिल्कुल क्लीन दिखेगा, उस कलर नहीं दिखेगा आपको, या वीडियो वगैरह देखेंगे तो उसकी क्लियरिटी बिल्कुल HD जैसा आएगा, तो कंट्रास्ट यही होता है। तो अभी ये देखते हैं लोगो आता है और फिर चेक करके देखेंगे। कुछ समय लग रहा है ऑन होने में, अभी ये ऑन हुआ नहीं है, तो जब भी अभी देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। तो अभी मैं इसका पासवर्ड से पता नहीं मुझे, तो अभी मैं चेक करवा लेता हूँ उसका पासवर्ड क्या है। तो ये ओपन हो चुका है, तो देख सकते हैं इसमें कोई भी क्लियरिटी बिल्कुल ऐप की जो है प्लास्टिक के अंदर से भी, जो कलरफुल प्लास्टिक है उसके अंदर से भी ब्राइटनेस बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। कोई वजह के भी देख सकते हैं ब्राइटनेस बिल्कुल कम था, फिर भी ब्राइटनेस आपको बिल्कुल ओके ब्राइटनेस है, इसमें किसी प्रकार का कमी नहीं है, बिल्कुल कम भी हो रहा है और देख सकते हैं बिल्कुल तेज़ भी हो रहा है, आँख पे छूने वाला जैसा हो रहा है, तो बिल्कुल ब्राइटनेस ओके है, ब्राइटनेस में कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसका जो क्लियरिटी है वो भी बिल्कुल ओके है, इसमें किसी प्रकार का टच में या कंट्रास्ट में दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ओके है। तो फर्स्ट कॉपी जब भी आप लगवाएं तो फर्स्ट कॉपी लगवाएं, सस्ते वाला मत लगाएं, तो सस्ते में आपको 1000 रुपये में मिल जाता है, लेकिन वो कंट्रा